आज अपन किसमें कर रहे हैं पहले? एक्चुअली हम दो वीडियोस में थोड़े से कंफ्यूज कि पहले कौन सा कर रहे हैं, एंड दोनों वीडियोस बहुत एक्साइटिंग है. वो वाला कौन सा वाला? वो नाम नहीं बोलेगी, सेफ प्ले करना है. पहले ऊपर वाला, ठीक है? ओके, मैं अभी दोनों नाम बोलने वाली थी. तो हम करने वाले मेहमान और मेजबान पर. यस, बहुत एक्साइटेड है क्योंकि शेरम का है. हर थोड़े दिन में, एक्चुअली शेरम का एक वेट होता है, हर 2 वीक्स 3 वीक्स में ऐसा होता है, शेरम को जाके चेक कर लो कुछ नया वीडियो आया कि नहीं आया. एक्चुअली शेरम जब भी न्यू ऐसे इंस्टा पे क्लिप्स डालने लगते हैं ना, समझ जाने का कि उनका नया वीडियो आया है कोई. ठीक है, आज मेजबान का मतलब तुझे पता नहीं? हमें नहीं पता मेजबान का मतलब, मेहमान का मतलब पता है. लेट्स स्टार्ट, वो बता रहे हैं. हाँ, हाँ, चालू करते हैं. ही ही, हर बात पे. This video is brought to you by Pakistan's first and the only cashback app, Savior. Savior आपको अपने favorite brands जैसे कि Ideas, Metro, Bata, Elo, OPTP, AliExpress, Dolens वगैरह पर shopping करने पर देता है cashback यानी पैसे वापस. And once this cashback is received in your Savior wallet, इसको आप बासानी अपने bank accounts या e-wallets में transfer करवा सकते हैं. तो इस 12-12 shopping करें सिर्फ Savior के जरिए and get the biggest cashbacks और visa bonus cashbacks और brand discounts और बहुत कुछ on your favorite brands only via Savior. So download Savior now using my link in the description. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमहीद बांधने के लिए कुछ खास कहने को तो नहीं है, वीडियो का टाइटल तो आपके सामने ही है. अलबत्ता वीडियो के आखिर में कुछ मुख्तसर पर जरूरी बात करूंगा आपसे. अभी के लिए शुरू करते हैं आज की तस्वीर कशी जिसका उन्वान है मेहमान और मेजबान. जी जी जी, आप ही जी? बस ठीक है. अच्छा अच्छा, बस ठीक है. आज अच्छा आज भाई साहब और भाभी तो हैदराबाद है, अलबत्ता मैं और सालिया घर पे ही है. ओके जी ओके. अला हाफिज, अला हाफिज सालेहा. तारे दिल हमको सालेहा, लोग अपने दिए जला सालेहा. ये भी ना, बस रिकॉर्ड भी नहीं करने देते सालेहा. जी यार, जीप किधर गए हो? इतनी देर से आवाजें दे रहा हूँ मैं. सॉन्ग को रिकॉर्ड करी थी, आपको क्या प्रॉब्लम है? भाभी वगैरह घर पे नहीं है. हाँ, जब ही सुकून है. किचन का ताला खोलो, कोई इंतजाम कर लो आज शाम. कर लेते हैं, आप ही लोग ने आना है. जी क्या मतलब? जी मुझे स्टमक में हेडेक हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है. आप तो यही होगा, जाओ रेस्ट करो. आया फरजाना, ठीक से हाथ चला, जरा जोर से कर. बाजी कर तो रही हूँ. आवाज सुस्ती ना कर. अच्छा, अरे क्या करिए, आराम से कर, टूट जाएगा. आप ही ने कहा था. फरजाना तमाशे मत कर मेरे साथ. अच्छा ना यार, ये डस्टिंग खत्म हो जाए तो छत से जाले भी साफ करने. जल्दी कर, जल्दी जल्दी हाथ चला. बाजी मकड़ जाल थे, कल ही साफ किता सी. आज फिर से कर, और पोछा लगाते वक्त बिस्तर के नीचे से भी लगाई हो. क्या बात है बाजी, कोई मेहमान आ रहे हैं क्या? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं. पगली यार, क्या जरूरत थी तुम्हें उस दिन नजरा लोग के घर इतनी ऊंची ऊंची छोड़ने की? क्या यही कि तुम बिरयानी बहुत अच्छी बना लेती हो? खैर है, किसको पता लगना है. लगेगा पता, आज नजरा की कॉल आई थी, कह रही थी तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाने का मूड हो रहा है. क्या बहुत शर्मिंदगी होगी आज. टेंशन ना ले, बिरयानी ऑर्डर करा लेते हैं. अब मेरे पास तो पैसों का दरख्त लगा है ना. अरे तो सेवियर के थ्रू फूड पांडा से ऑर्डर करूंगी, टेंशन ना ले. कैशबैक से बचत भी हो जाएगी, नाक भी नहीं कटेगी. नाक होती तो बहुत पहले कट चुकी होती. दबी जा मार्केट से 2 पीले बल्ब ले आ, और सौदे का सामान है ये भी ले आ. अम्मी कोई घर पे आ रहे क्या? हाँ, वो तेरी खाला आ रही है. खाला आ रही है? अच्छा, आहिस्ता बोल, काम वाली ने सुन लिया तो भाग जाएगी. नजमा नदीम लोग भी आ रहे हैं? इतना मुझे नहीं पता, तू जल्दी आ और ये सामान ले आ. अच्छा जा रहा हूँ. अहे काम कर, ये लगे हाथों जाने से पहले बक्से ऊपर अलमारी में चढ़ा दे. अम्मी इतना भारी बक्सा मैं कैसे चढ़ाऊंगा? अहे काम चोरी ना कर, तूने आज सारे पंखे भी मेरे साथ साफ करवाने. अम्मी मेहमान आकर ये सब थोड़ी देखेंगे. बाजी मैं गाँव जा रही हूँ.
हाँ? क्यों? कब तक? जब तक आपके मेहमान वापस नहीं जाते। अम्मी टीवी लगे जरा देखे मैच का क्या बना है। तुमने क्या चर्सी वाला हुलिया बनाया हुआ? नहाई नहीं हो आज? अभी तो उठी हूँ अम्मी। रिश्तेदारों के सामने तो बड़ा एक्शन मारती हो। इस हालत में देख लेना तुम्हें कोई, सारा भांडा फूट जाना है। मैं पागल है जो किसी के सामने ऐसे जाऊंगी। हरीश दरवाजा खोलो। पता नहीं कौन है, दूध वाला होगा। अभी मामू लोग आए हैं। अस्सलाम वालेकुम मामू। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम। अभी सो के उठियो? आप लोग बता कर तो आते। ये 50,000 की कमेटी मैंने तुम्हें दे दी, डब्बा बताओ गाड़ी तुम्हारे नसीब में होगी। डेफिनेटली मुझे गाड़ी दे दें। पहले ये पकड़ो। बात सुने, मुझे गाड़ी चाहिए। तो रास्ते में रश कैसा था आते हुए? ज्यादा था कोई नहीं, ठीक ही था, इतना कोई खास नहीं था। हमीद क्या बात है, सालिया नजर नहीं आ रही, कहीं गई हुई है क्या? नहीं बस वो थोड़ा बीमार हो गई थी तो दवा खा के सो गई है। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता। क्यों, क्या हुआ उसे? बस वो बुखार चढ़ गया था। बुखार है शैतान। आप लोग पानी पियेंगे? आप लोग थैंक यू फॉर द हॉस्पिटैलिटी। और बेटा हबीब सुनाओ क्या चल रहा है आजकल? बस अंकल लाइफ। अच्छा अच्छा चलो ये भी अच्छा है। जी जी। अरगम कहीं गया हुआ है? नहीं नहीं इधर ही है, उसके पर्चे चल रहे हैं, कोई कमरे में पढ़ाई कर रहा होगा। और यार बुलाए उसे कहीं, छोड़ो पढ़ाई, पर्चे तो आने जाने, हम रोज रोज थोड़ी आएंगे। और छोड़ देना अबू, क्यों खाम खाम उसकी पढ़ाई खराब कर रहे हैं। आंटी जूस ले। शुक्रिया बेटा, जीती रहो। इस तरह जूस की तरफ ना देख, ना दीदा लग रहा है। अंकल जूस। थैंक यू बेटा। और क्या तमाशा कर रहा है, सबको पता है कि तुझे पता है कि जूस मिलने लगा है लेकिन भोला बन रहा है। हबीब भाई जूस ले। हाँ जी, ठीक है। मैं कौन हूँ जी? मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा क्या तुम चली आए कुछ? भाई मैं तो जब उदास होता हूँ ना इसी तरह बेगम को लेकर किसी के घर चला जाता हूँ। अरे गलत बात है, पूछ के जाए अगर सुन्नत के मुनाफी है भाई। बड़े भैया इसीलिए तो आपसे पूछ के आए थे। हाँ तो तुम्हें इजाजत दी थी, इसे कहाँ से उठा के ले आई? आपके मजा की तो अपनी बात है दिलवर भैया, आप बहुत जलील आदमी है तू। आए ड्राइंग रूम में बैठते हैं ना। अबे बैठ जा आराम से, बत्ती नहीं है वहाँ पे। क्या हुआ, खराब हो गई क्या? बस वो दो बल्ब था खराब हो गए, तबीर से मंगवाया तो भाई साहब चूड़ी की वजह पेन वाला ले आए। अच्छा मैं जरा वॉशरूम से हुआ हूँ, इजाजत दे। आज सुकून नहीं है आपकी तशरीफ को। कैसे बोल लो यार, बोल लो। हाँ हाँ मैं लेता हूँ। अजरा और रायता डालो। जी जी ले लिया मैंने, आप ले। भाई वैसे बिरयानी तो बड़ी कमाल की बनी है। थैंक यू काशिफ भाई। हाँ भाई वाकई मजा आ गया, होटल से भी अच्छी बनी। होटल की ही तो है, है? मेरा मतलब होटल से भी अच्छी, होटल की तो ऐसी होती है। ये टीवी नया लिया? हाँ ये भी तुम्हारी भाभी ने लिया। स्मार्ट टीवी बड़े महंगे हो गए। हाँ भाई वो तो बहुत, ये तो तुम्हारी भाभी ने क्या हो सेवियर। हाँ सेवियर से लिया था तो उसमें वो कैश बैक होता है, डिस्काउंट होता है, उसकी वजह से सस्ता पड़ गया। तो क्या ऑर्डर करवाया था? हाँ ऑर्डर भी हो जाता है पर सेवियर का इंस्टोर फीचर है ना, तो उससे मेट्रो गए थे वहाँ से खरीद लिया सेवियर के थ्रू। यार ये सही है। काशिफ भाई मुझे दाद दे, मैं सारी शॉपिंग सेवियर से ही करती हूँ, बचत ही बचत। वाकई? हाँ हाँ, ये बिरयानी भी मैंने सेवियर के थ्रू ही फूड पांडा करवाई है। क्या? वो मेरा मतलब बिरयानी का सामान। लगता है नींद आई है इसे। नहीं अरे मुझे भूख लगी है। अरे अरे ला दो भाई से चिप्स, ला दो बच्चे को मेरे। नहीं बुढ़िया मैं चिप्स नहीं खाऊंगा। अरे क्या बदतमीजी है। अरे नहीं नहीं डांटो नहीं बच्चे को। क्या चाहिए आपको बेटा मुझे बताओ? मुझे वो बंदूक चाहिए। गलत बात बेटा, टॉय नहीं है, डेकोरेशन पीस है, मुझे चाहिए। अरे दे दो कोई बात नहीं। अच्छा बात सुनिए। जी बेटा। ये ग्लास दे मुझे। ये लो बेटा ये लो। अरे दबाओ जो सारे के सारे। अरे भैया मेरे बच्चे तो माशाल्लाह ऐसे तेज और लायक हैं। खाला मुझ पर रहम करें, आप अपने बच्चों के कारनामे तो सुना देती हैं, बाद में फिर अम्मी मेरा सर तोड़ती हैं। आप तो कुछ सबक हासिल करना। बस हो गई शुरू। अबू। अबे क्या हो गया? खालू वॉशरूम में कह रहे फ्लश में पानी नहीं आ रहा और पानी आना बंद हो गया। नवीन साहब भाग कर मोटर चला दे जल्दी। अच्छा कोई जरूरत नहीं है। अबे टैंकी में पानी खत्म है। तो अब्बू अब खालू का क्या होगा? वही जो होना चाहिए। डैडी रायता। जरगुन भाई रायता ले। आप लो। नहीं पहले आप ले। नहीं पहले आप लो। अरे आप ले ना यार लो ना। नहीं पहले आप। अरे नहीं पहले लो यार आप लो। पहले आप। अरे मैं कह रहा हूँ जब आप लें पहले। अरे नहीं नहीं आप लो ना यार, आप पहले लो। यार आप लोग पहले आपस में टॉस कर ले, पहले कौन खाएगा, जब तक मैं डाल लेता हूँ। राशिद पानी मिल जाएगा? अच्छा राशिद वॉशरूम जाना है जी इस तरफ। राशिद साबुन खत्म है। अच्छा मिला के देता हूँ। राशिद वाईफाई का पासवर्ड क्या है? मुझे नहीं पता। अरे तुम्हें कैसे नहीं पता? पासवर्ड है मुझे नहीं पता। ओ अच्छा। राशिद टिश्यू चाहिए? अच्छा ला।
राशन इस्त्री देना, राशन हेयर जेल है, राशन नाड़ा है, राशन अंडरवेयर चाहिए। अबे बस कर दे यार। बाजी कोई टॉयज है? नहीं बेटा कोई भी टॉयज नहीं है। नहीं कोई वीडियो गेम्स भी नहीं है कंप्यूटर में? नहीं बेटा कोई खेलता ही नहीं घर में। अच्छा मोबाइल दे दे इसमें गेम्स खेलूंगा। नहीं बच्चे मोबाइल नहीं इसमें कोई गेम्स नहीं है। आप दे मोबाइल में डाल लूंगा। अरे मोबाइल नहीं दे सकती मैं आपको, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्यों किससे चैटिंग चल रही है आपकी? क्या कुछ नहीं कुछ नहीं। अभी हाँ जी बाबा। बेटा अंकल बुला रहे थे आपको। माशाल्लाह ये तो इतनी छोटी सी थी इतनी बड़ी हो गई। अंकल यही होता है सबके साथ होता है, बच्चे छोटे होते हैं फिर बड़े हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बेटा अंकल को वो करके दिखाओ जो वो तुम बाजू से वो जो हाथी की आवाज निकालती हो, करके दिखाओ। हाँ भाई ऐसा क्या है, बड़ी तारीफें सुनी हमने। हाँ हाँ करके दिखाओ करके दिखाओ करके दिखाओ बेटा करके करो 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 चिल्लाओ नहीं। अरे वाह भाई वाह वाह भाई वाह भाई, एक दफा और करके दिखा बेटा एक दफा और। ओके जी बहुत मजा आया, इंशाल्लाह फिर आएंगे। अरे भैया अब आप लोग आना, हर वक्त हम लोग ही आते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे भैया ये रुखसती के बाद बच्चे कहाँ गायब हो गए? अंदर होंगे मैं बुला के लाता हूँ। भाई मुझे तो मैंने नहीं खाए थे बिस्किट। अबे कटोरे हट पीछे खा चुका है तू। दबीर मुझे तो मैंने एक भी नहीं खाया। कटो शाबा सारे निकलो ऐसे। भाई दे दो ना। अरे क्या हो रही है इधर? माले गनीमत पे कब्जा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। जाते जाते बस एक छोटा सा पैगाम ये देना था कि हमें कभी बगैर बताए किसी के घर मुसल्लत नहीं होना चाहिए, और ना ही किसी ऐसे घर मेहमान बनकर पहुंच जाओ जहां आपका आना नापसंद किया जाता हो। अगले की नापसंदीदगी को समझने के लिए अगले का इशारा और अंदाज ही अकलमंद के लिए काफी होता है। और ये भी सच है कि बार बार मेहमान बनकर मुसल्लत होने से आप खुद ही अपनी अहमियत खो देते हो। इस बात में कोई शक नहीं कि मेहमान अल्लाह ताला की रहमत होते हैं और वो अपना रिस्क खुद लेकर आते हैं। तो जब कभी मेहमान नवाजी का मौका मिले तो अपना दिल बड़ा रखो और खुदा को राजी करने का ये मौका कभी ना गवाओ। बाकी ये कि इफ यू लाइक दिस शो यू इन सपोर्टेड फाइनेंशियली ऑन पेट्रियन विद एज लो एज $1, डू सब्सक्राइब द चैनल बट ओनली इफ यू लाइक माय कंटेंट। आज के लिए शहरम को इजाजत दें, मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। ओके तो इट इज मेहमान एंड मेहमान नवाजी। हाँ मुझे स्टार्टिंग में भी लगा था क्योंकि मेहमान कुछ इसके रिलेटेड ही होगा। और कुछ कुछ चीजें कितने रिलेटेबल। गेस्ट बनने में बहुत मजा आता है, गेस्ट आते हैं ना तब बहुत बैंड बज जाती है। बनना इज लाइक वहां जाओ और वापस आ जाओ और खत्म हो गया। गेस्ट आना इज आने के 3 घंटे पहले घर में तैयारियां चल रही है, उनके जाने के 2 घंटे बाद तक पीछे रैप अप चल रहा है काइंड ऑफ। आई नो आने बच्चे तो वो एक्चुअली सो रिलेटेबल। वो दो तोड़ना ऐसे बच्चों को है ना। मुझे भगवान ही याद आया। आई नो अरे बहुत ऐसे बच्चे हैं लेकिन आई फील पेरेंट्स हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल इस चीज के लिए क्योंकि बच्चे बदतमीजी ना करें क्योंकि गेस्ट कुछ बोल नहीं सकते। ऐसा ऐसा ही कोई बात नहीं कोई बात नहीं क्या बोलेंगे यार। एंड कितना रिलेटेबल था वो सब, वो गेम खेलना। माय गॉड एक्चुअली गेम खेलने वाला आई थिंक 2-3 साल पहले होता था। आजकल के बच्चों के पास खुद के पास मोबाइल होते हैं फिर भाई पापा के मोबाइल ही पड़े हुए मिलते हैं। इट्स सो सैड। आई नो इट्स वेरी सैड। और फिर ऐसे लगता है कि मे बी मूव ऑन करना पड़ेगा उस फैक्ट से क्योंकि दिस इज व्हाट इज गोना हैपन। इट्स नॉट जस्ट एक दो बच्चे, जितनों को तू देखेगी ज्यादातर देखो फोन में ही मिलेंगे। नॉट अ गुड हैबिट दो लेकिन एटलीस्ट शांत बैठे रहते हैं यार वरना बहुत हंगामा करते हैं पूरे घर में। ठीक है दे दो फोन दे दो उनको छुट्टी। रोते रहेंगे घर कब जाएंगे ये। और बच्चे एक बार वो वाले फेज में आ जाए ना 5 साल से प्लस वाले में उसके बाद तो भाई उससे पहले छोटे होते तो फिर भी थोड़ा ऐसे कंट्रोल हो सकता है। कभी कभी सच में ये जैसा था ना वो सीन की मेहमान आया और चीजें मांगती जा रही है ये कहाँ है वो कहाँ है ये क्या वो क्या। कुछ कुछ होते हैं ऐसे लिटरली कुछ कुछ होते हैं। कितनी अच्छी लाइन बोली उन्होंने कि मेहमान एंड ऑल। वो बोलते तो हमेशा ही बहुत अच्छा है। बताए तो एक्चुअली जाना ही नहीं चाहिए। मतलब अगर वो ऐसे चलते फिरते किसी के घर पे जाना अलग होता लेकिन एज अ मेहमान उनके घर पे जाना तो ऐसा होता कि शिट क्या हाल में पड़ा है पूरा घर क्या हाल में हम खुद पड़े हैं। वो वाला सीन बहुत आप था जहाँ पे वो ऐसे थे कि हाँ ठीक है मैं हो जाऊंगी तैयार और फिर पता चलता लिटरली पहुंच गए फिर भाग के तैयार हो और सब बाबा। शेरम नेवर डिसअपॉइंट्स। वो इतनी अच्छी बातें करते इतना मजा आता उनका वीडियो देख के। वो अपने 2-3 टाइप के टैलेंट का मिक्सचर बना के एक वीडियो बनाते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जो हमें पता है कि मेजरली एंड मोस्टली सिर्फ एक ही इंसान का हाथ है इन सब के पीछे। दिस इज सो गुड लाइक लिटरली ये सारा वॉइस ओवर सारा एनिमेशन सारा उनका स्क्रिप्ट लिखना टॉपिक डिसाइड करना इट्स वेरी नाइस।
Thank you guys. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye. See you in the next video. Take care.